यह तस्वीर है एक ऐसे आशिक की जिसने अपनी प्रेमिका और उसकी सहेली को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यह एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसकी सहेली की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उनके शवों को नाली में फेंक दिया था। दरअसल सरधन के नाले में दो युवतियों की लाश की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझाती है। पुलिस की माने तो नोएडा से प्रेमी ने ही युवती और उसकी सहेली का अपहरण किया और फिर चलती कार में गोली मारकर दोनों का कत्ल कर दिया। इसके बाद लाशों को सरधना में नानू के पास नाली में फेंक दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि सरधना के नानू नाली में दो युवतियों की लाश शुक्रवार दोपहर को मिली थी। दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सरधना के ही नानू गांव निवासी अफसाना पुत्री इंसाफ और हिना निवासी गाजियाबाद की है। हिना अफसाना के भाई शाहरुख की साली थी और दोनों के बीच समलैंगिक संबंध भी थे और अब दोनों परिवारों से विवाद के बाद नोएडा सेक्टर 37 में एक साथ रह रही थी। अफसाना का अपने ही गांव के रहने वाले गौरव त्यागी नाम के युवक से प्रेम प्रसंग भी था। हालांकि पिछले काफी समय से दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था। गौरव 4 दिन पहले नोएडा पहुंचता है और अफसाना से संपर्क करता है। अफसाना और हिना को घुमाने के बहाने अपनी कार में बैठा है और गाजियाबाद लेकर पहुंचता है। यहां पर दोनों को शॉपिंग कराई और इसके बाद एक्सप्रेस वे से होते हुए मेरठ की ओर चल दिया और इस दौरान रास्ते में ही चलती कार में पीछे की सीट पर बैठी हिना से अफसाना को छोड़ने की बात कहता है, मगर हिना मना कर देती है और गौरव इसी बात को लेकर आग बबूला हो जाता है और हिना की गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद अफसाना काफ़ी डर गई और रहम की भीख मांगती है, मगर गौरव ने अफसाना को भी मेरठ में एंट्री करने के साथ ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने नानू के गांव के पास के नाले में दोनों की लाशों को फेंक दिया और फरार हो जाता है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया है। दोनों युवतियां नोएडा में परिवार से अलग रह रही थीं। गौरव और अफसाना का प्रेम प्रसंग था लेकिन अभी विवाह चल रहा था। ब्लैकमेल करने की बात भी गौरव ने बताई है। आरोपी के बयान के आधार पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।